कोरोना वायरस क्या यह वही महामारी है जिसके बारे में बड़े बड़े भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी कर कहा है कि 20वीं सदी में एक ऐसी महामारी फैलेगी जिसमें बहुत सारे लोग बेमौत मारे जाएंगे। जग जाहिर है कि कोरोना वायरस ने चीन से निकलकर पूरे विश्व पर मौत का कहर बरपा रखा है। WHO के मुताबिक अभी तक 45,693 मौतें और 90,306 व्यक्ति इस जानलेवा बीमारी के शिकार हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसे में राहत भरी खबर ये है कि इन भविष्यवक्ताओं ने ही मौत से बचने के लिए सटीक रास्ते बताए हैं। तो चलिए देर न करते हुए खंगालते हैं इन भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियां। जय गुरुदेव पंथ के संस्थापक संत तुलसीदास जी की भविष्यवाणी वह अपनी पुस्तक जय गुरुदेव की अमर वाणी के पृष्ठ 22 पर लिखते हैं, भविष्य में बीमारियों के बम फेंके जाएंगे, बीमारियों से लोग बेमौत मरेंगे। इस प्रकार की शुरुआत चीन करेगा। चीन अमेरिका के बड़े बड़े शहरों को नष्ट कर देगा, वहां भी लोग बेमौत मरेंगे। अमेरिका, चीन तथा रूस और चीन में आपसी युद्ध होगा। चीन में भी भारी संख्या में लोग मरेंगे। चीन की बची आबादी को भारत शरण देगा। आगे चलकर गृह युद्ध छिड़ जाएगा, तब जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। अन्न और दवाइयों की कमी पड़ जाएगी। मेरी बातों को आप हंसी मजाक मानते हैं तो मैं आत्म कल्याण का काम करता हूँ। आप मेरी बातों को अभी न माने, जब सामने आएगी तब मानना। फिर आगे पृष्ठ 31 पर लिखते हैं, बाबा जय गुरुदेव की घोषणा सन 1972 में। आगे विश्व युद्ध होने पर भारी नुकसान होगा, लाशें पड़ी रहेंगी, उठाने वाले नहीं मिलेंगे। चीन, पाकिस्तान, अमेरिका आदि मुल्कों से विषैले बम फेंके जाएंगे। अधिकांश बम भारत की धरती पर उतार लिए जाएंगे। कीटाणु बम फेंके जाने पर बेगुनाह इंसान, जानवर, पक्षी आदि सब मरने लगेंगे। तो भारत का एक फकीर ऐसी जबरदस्त उल्टी आंधी चलाएगा कि उसमें हाथी भी उड़ता नजर आएगा। तेज हवाएं सभी कीड़ों को उड़ाकर वहां से ले जाएंगी। जहां से बम फेंके गए होंगे वहां फिर उस मुल्क के लोगों का सफाया हो जाएगा। दोस्तों, यहां पर इस भविष्यवाणी में जय गुरुदेव जी ने एक फकीर के बारे में भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा है कि एक ऐसा भारत का फकीर, एक ऐसा संत उल्टी आंधी चलाएगा जिसमें तेज हवाएं बहेंगी, जितने भी बम फेंके जाएंगे वह सारे उनकी धरती पर चले जाएंगे और वहां के लोगों का सफाया हो जाएगा। तो दोस्तों, देखना यह है कि वास्तव में वह फकीर कौन है। संत तुलसीदास जी ने इसी पुस्तक के पृष्ठ 59 पर 1971 में भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि वह महापुरुष जो भारत को विश्व विजेता और विश्व गुरु बनाएगा, जिसकी एक भाषा होगी और एक झंडा होगा, वह भारत के एक छोटे से गांव में जन्म ले चुका है। संत रविदास, 16वीं सदी के विख्यात व चमत्कारी संत रविदास। दोस्तों, संत रविदास जी की भविष्यवाणियों से तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो संत रविदास जी ने 16वीं सदी में ही इस कोहराम के बारे में जान लिया था। उन्होंने इटली के बारे में बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी करते हुए कहा है कि इटली में आने वाले समय में कोहराम मचेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि इटली में कोरोना ने मौत का एक ऐसा तांडव मचाया है कि 13,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं और 1,10,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। संत रविदास जी लिखते हैं, भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा, जीते जी कई बार मरेगा, छदम वेश में जो विचरेगा, देश बचाने के लिए होगा एक आह्वान, युग परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान, तीनों ओर से होगा हमला, देश के अंदर द्रोही घपला, सभी तरफ कोहराम मचेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा, नेता मंत्री और अधिकारी, जान बचाना होगा भारी, छोड़ सब मैदान भागेंगे, सब अपने अपने घर दुबकेंगे, जिन जिन भारत मात सताई, जिसने इसकी करी लुटाई, ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा, चीन अरब की धुरी बनेगी, विध्वंसक ताकत उभरेगी, सभी तरफ संगीन लड़ाई, घाटे में होंगे ईसाई, इटली में कोहराम मचेगा। जी हाँ, जहाँ पर 13,000 से ज्यादा लोग मर चुके हों उसे कोहराम कहना गलत नहीं होगा, इससे बड़ी क्या त्रासदी हो सकती है। लंदन सागर में डूबेगा जो तीसरा प्रलयकारी, जो होगा भारी सहारी, भारत होगा विश्व विजेता, भारत होगा विश्व का नेता, दुनिया का कार्यालय होगा भारत में, न्यायालय होगा, तब सतयुग दर्शन आएगा, संत राज सुख बरसाएगा, सहस्त्र वर्ष तक सतयुग लागे, विश्व गुरु बन भारत जागे। जैसे कि तुलसीदास जी ने एक फकीर, एक संत के बारे में भविष्यवाणी की थी,
उसी संत के बारे में भविष्यवाणी यहाँ पर रविदास जी भी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि तब सतयुग दर्शन आएगा, संत राज सुख बरसाएगा, सहस्र वर्ष तक सतयुग लागे, विश्व गुरु मन भारत जागे। जैसा कि आपने पढ़ा कि दुनिया का कार्यालय होगा भारत में न्यायालय होगा, तो न्यायालय से तात्पर्य है ICJ मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि वर्तमान में अमेरिका में है, वह भारत में चला आएगा। तब भारत सभी देशों का प्रतिनिधित्व करेगा और भारत विश्व विजेता और विश्व गुरु बनकर उभरेगा। दोस्तों, यह विश्व विजेता और विश्व गुरु की बात सिर्फ संत रविदास जी नहीं कह रहे, बल्कि दुनिया के बड़े बड़े भविष्यवक्ताओं ने भी इस बात का समर्थन किया है। जैसे कि फ्रांस के नास्त्रेदमस, न्यू जर्सी की फ्लोरेंस, इंग्लैंड के किरोने वेजिलेटिन ने, अमेरिका के जिन डिक्सन व एंडरसन ने, हंगरी के बोरिस्का ने, फ्रांस के डॉक्टर जुलवर्न ने, इजराइल जैसे महान राष्ट्र के प्रो हरार ने तथा नॉर्वे के आनंदचार्य आदि की भविष्यवाणियां भी इस बात का समर्थन करती है कि भारत के एक छोटे गांव से उत्पन्न एक महान संत के द्वारा भारत विश्व विजेता बन जाएगा। भगवान कृष्ण भक्त सूरदास जी की भविष्यवाणी। 1540 ईस्वी में जन्मे सूरदास जी ने आज के समय की परिस्थितियों के बारे में भविष्यवाणी की है, बताया है कि इस महामारी से कैसे बचा जा सकता है। वर्तमान समय के लिए सूरदास जी की भविष्यवाणी, सूरदास जी लिखते हैं, रेमन धीरज क्यों न धरे, संवत 2000 के ऊपर ऐसा जोग परे, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 काल फिरे, अकाल मृत्यु जग माही व्यापे, प्रजा बहुत मरे, स्वर्ण फूल वन पृथ्वी फूले, धर्म की बेल बढ़े, सहस्र वर्ष लगी सतयुग व्यापे, सुख की दया फिरे, काल जाल से वही बचेगा जो गुरु का ध्यान धरे, सूरदास जी हरि की लीला ठारे नहीं टरे। यहाँ पर सूरदास जी साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं कि काल जाल से वही बचेगा जो गुरु का ध्यान धरे। तो दोस्तों, सूरदास जी यहाँ पर विज्ञान को भी चुनौती दे रहे हैं, वैज्ञानिक पावर से नहीं आध्यात्मिक शक्ति से बचाव हो सकता है। तो कहा भी जाता है कि भगवान से विज्ञान है, विज्ञान से भगवान नहीं है। भविष्यवाणियां देखने के बाद अब बारी आती है कि इस गंभीर समस्या से, मौत जैसे काल से कैसे बचा जा सके। यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि जो गुरु की शरण में जाकर भक्ति करेगा, काल जाल से बच सकता है। तो इस भविष्यवाणी की सच्चाई को परखने के लिए हमने भारत के प्रसिद्ध गुरुओं की विचारधारा को खोजना शुरू किया, तो पाया कि लगभग सभी बड़े बड़े तिलकधारी कथावाचक मंडलेश्वर व महामंडलेश्वर, धर्म की रक्षा करने वाले धर्म गुरु, अपने भगवानों से विश्वास खोए हुए वैज्ञानिक टिप्स देते हुए नजर आए। किसी धर्म गुरु को अपने इष्ट देव पर भरोसा ही नहीं देखने को मिला। लेकिन ऐसे में हमें संत रामपाल जी की विचारधारा मिली। उन्होंने अपने प्रभु के प्रति विश्वास से लबालब वेदों के प्रमाण दिखाए और कहा कि यदि आप किसी भी बीमारी या मौत से बचना चाहते हैं तो परमेश्वर की शास्त्र अनुकूल साधना करें। परमेश्वर आपकी मृत्यु क्या आपकी आयु को 100 वर्ष तक बढ़ा सकता है। वेद बता रहे हैं कि उस वो अगर दूसरे लोक में भी चला गया हो, प्राण छोड़ गया हो, मर गया हो, या कति मृत्यु को निकट हो, उसके जीवन शेष ना रहे हो, उसको भी मैं 100 वर्ष जीवित करके और उसको रोग मुक्त करके 100 वर्ष की आयु प्रदान कर दूं। ये भगवान के गुणों में लिखा है। आप कैसा भी रोग हो, परमात्मा से बड़ा कोई वैद नहीं है। परमात्मा ने इस मिट्टी के शरीर को चला रखा है, उसकी उसको इसको ठीक करने में क्या देर लगेगी, 1 सेकंड का काम है। एक परीक्षण ऑफ सेकंड में ये स्वस्थ कर सकता है। और ये जो हमारा विरोध किया करते हैं, हम समाचार पत्रों में लिखते थे कि उसको ऐसे ठीक हो गया, उसको ऐसे ठीक हो गया, तो ये उत्तर देते थे अज्ञानी कि हमारा करके दिखाओ, तुम किकर का लटका दे तार बांध रहे थारे को करो, कनेक्शन दो इस परमात्मा का ना हो तो फिर हमें बताओ। विनम्र होकर के विधिवत साधना करो परमेश्वर की, जो भगवान के गुणों में लिखा वो नहीं मिलेंगे तो फिर आप साधना करने का लाभ क्या। तो पुण्यात्माओं, यहाँ ना जाने बिना गिनती के इतने दुख दूर हुए, कैंसर तक और ब्रेन ट्यूमर तक, जिनके ऑपरेशन निर्धारित कर दिए गए थे और कोई गारंटी नहीं, डॉक्टर बताते थे कि इस ऑपरेशन का कोई सफलता का कोई गारंटी नहीं है, और ये पीड़ा कुछ समय के लिए बंद हो सकती है। ऐसे यहाँ बगैर किसी ऑपरेशन के परमात्मा की कृपा से, भगवान की रजा से, उस प्रभु की शक्ति से दूर हो गए, वो ठीक हो गए, वो रोग नष्ट हो गया। इसी का प्रमाण आपको ऋग्वेद दे रहा है कि परमात्मा पूर्ण ब्रह्म
पूर्ण परमात्मा की साधना करने वाले की भगवान उसकी मृत्यु भी आ गई हो, उसके सांस भी शेष ना रह रहे और वो मर भी गया हो, उसको भी जीवित कर सकता है। ये देखिएगा ऋग्वेद, ये देखिए नीचे ऋग्वेद भाष्यम, ऋग्वेद भाष्यम और दशम मंडल मंडलम, और यहाँ देखिएगा 161 नंबर सूक्त है जिसको अब यहाँ इसके दो नंबर, ये संस्कृत है, दो नंबर मंत्र की, इसमें क्या अनुवाद किया है, इस संस्कृत का अनुवाद इन्होंने किया है, यदि रोगी की अक्षीण आयु हो गई हो, यदि वह इस लोक से चला गया अर्थात मर गया हो, चला गया है इस लोक से, चला गया है, ये संस्कृत है, आगे हिंदी, और यदि वह मृत्यु के पास गया हुआ है तो भी उसको मैं, भगवान कहता है, मृत्यु देवता नृत्य से के पास से लौटा ला सकता हूं, ये संस्कृत है, आगे देखना, और उसको 100 वर्ष के जीवन के लिए प्रबल करूंगा। परमात्मा तो कहता है कि उस उपासक की, जो परमात्मा का भक्त है, यदि वो परमात्मा की साधना शास्त्र अनुकूल कर रहा है, परम संत से नाम लेकर के, तो वेद बता रहे हैं कि उस वो अगर दूसरे लोक में भी चला गया हो, प्राण छोड़ गया हो, मर गया हो, या कति मृत्यु को निकट हो, उसके जीवन शेष ना रहे हो, उसको भी मैं 100 वर्ष जीवित करके और उसको रोग मुक्त करके 100 वर्ष की आयु प्रदान कर दूं, ये भगवान के गुणों में लिखा। दोस्तों, इस विज्ञान के दौर में संत जी का दावा वाकई में हमें अचंभित करने वाला था। फिर क्या था, बाबा की इस सच्चाई को सामने लाने के लिए हमने पड़ताल करनी शुरू कर दी। पड़ताल में हमें रियल स्टोरी 99 करके एक यूट्यूब चैनल मिला, जिस पर बहुत से अनुयायियों के अनुभव थे। हमने बहुत सारे अनुयायियों के अनुभव देखे और उसमें पाया बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी लाइलाज बीमारियां कहीं डॉक्टर डिटेक्ट भी नहीं कर पा रहे थे। वह बीमारियां संत जी के बताए अनुसार सत भक्ति करने से बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। बहुत से ऐसे लोगों के भी अनुभव मिले जो मरने के बाद जिंदा हो चुके थे। दोस्तों, यह सब देखने के बाद आपको क्या लगता है, क्या यह वही संत हैं जिसके बारे में संत तुलसीदास जी लिखते हैं, संत रविदास जी लिखते हैं कि संत राज सुख बरसाएगा, सूरदास जी भी लिखते हैं कि काल जाल से वही बचेगा जो गुरु की शरण रहे। गुरु से तात्पर्य यहाँ पर एक सच्चे गुरु से है, जो आपको सही रास्ता बताता हो, सही शास्त्र अनुकूल भक्ति करके आपके जीवन को धन्य करता हो। नकली गुरु के शरण में रहने से मोक्ष संभव नहीं हो सकता।